गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम 19 मार्च को होने वाला है, उनके लिए कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आप 12 के एग्जाम से सीखे तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है उसका ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है उनको आप साथ में लेके जाए। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब जो है आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपकी फ़ोटो है, ठीक है, जो आपका पेन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप साथ में लेके जाए, और आईडी का एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में लेके जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो है मार्क। जब भी आप फिल कर रहे हैं, आप जाते ही आपको ओ मार दी जाएगी। उस 5 मिनट में ध्यान से अपने रोल नंबर फिल करें। जैसे बहुत सारे बच्चों के, 12 को जिनको एग्ज़ाम हुआ है उनमें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरा रोल नंबर मैंने ऊपर भर दिया, नीचे नहीं फिल कर पाया, या फिर सर जो मैंने रोल नंबर फिल करना था उसमें मेरे मिस्टेक हो गई, सर जो मेरी सीरीज़ है वो मैं ठीक से नहीं भर पाया, जो मेरे DOB है वो मैं ठीक से नहीं भर पाया। तो भाई रोल नंबर, DOB और सीरीज, ये जो चीज़ें हैं इनको आप प्रॉपरली फिल करें, ठीक है, इनको प्रॉपरली फिल करें, क्योंकि आपको पहले 5 मिनट दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप आराम से इनको फिल कर दें। तो ये शुरुआत में आपको ये काम तो करना ही है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, तो ये आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चले, इसके साथ क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके साथ में जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे आप इसे OMR में फिल करते जाए, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और घड़ी वाली बात जो है उसमें टाइम जो है आप घड़ी साथ में लेके जाए, नॉर्मल वो साथ में लेके जाए, अगर बाय डिफॉल्ट उसको बाहर रखवाते हैं तो आप एग्जामिनेशन सेंटर को ये ज़रूर बोले कि सर आप हमें घड़ी प्रोवाइड करवाए, टाइम मैनेजमेंट का इशू पीछे के एग्जाम में भी रहा है तो आप हमें घड़ी प्रोवाइड करवाए। इसके बाद में एक बात जो मेरी तरफ से ध्यान रखनी है, जैसे जैसे कि अगर मैं आपके लिए एक कहावत बोलूं, जो एक कहावत है आपके लिए वो मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा। आपके लिए जो कहावत है वो क्या है, आपके लिए कहावत है भाई जो 12 है, हमने उस दिन बोला था कि 12 वाले बच्चों को याद रखना है कि 12 को जिसका एग्ज़ाम है 12 वालों के, तो क्या है वो 12-25 है। तो एग्जैक्टली जिन बच्चों के एग्ज़ाम 19 को है, 19 वालों को एक ही बात याद रखना है कि हम किसी से 19 नहीं है, हम किसी से 19 नहीं है, हम तो क्या है 21 है, ठीक है, हम किसी से 19 नहीं है, हम तो क्या है 21 है। और आप इस कहावत का अर्थ बड़े अच्छे से जानते हो, हम किसी से 19 नहीं है, हम तो क्या है 21 है। और ये बात याद रखना, और जब भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, मेरी इस कहावत को याद करना, हम किसी से 19 नहीं, हम तो क्या है 21 है, इस बात को ध्यान में रखना। और रॉकिंग वाली परफॉर्मेंस देना, बिल्कुल मस्ती के साथ पेपर देना, बिना एंजाइटी के, बिना टेंशन के, जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ऐसा निकाल दीजिए कि मुझे ऐसा माइंड से बिल्कुल साइड में कर दीजिए कि सर जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है, वो सब कुछ आपको याद है, बस फर्क इतना सा है कि आपका माइंड अभी उस 10% के ऊपर सोच रहा है जो आपको याद नहीं है, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है। उस माइंड को बोलिए भाई 10% में नहीं सोचना, उस 90% पे सोचना जो तुझे याद है, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार आएगी, ठीक है जी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, शानदार परफॉर्मेंस दीजिएगा, ठीक है, बिना टेंशन के मस्त वाला परफॉर्मेंस दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।